हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी पे। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज आपके लिए लेकर के आए हैं अगले पार्ट में सामाजिकरण से संबंधित जो है 15 जो है MCQ यानी बहुविकल्पी प्रश्न, जो कि भाग 4 है। और ये जो हमारा जो ये आप यहाँ पे जो MCQ देखते हैं, ये हमने जो है अपने नोट्स बना रखे हैं और नोट्स के आधार पे इनको तैयार किया गया है और उसके बाद इनके आंसर तैयार किए गए हैं। ये जो नोट्स है सोशलाइजेशन पे या समाजीकरण पे, ये आप हमारी जो है ब्लॉग वेबसाइट है tetfactacademy.blogspot.com पे भी जाकर के पढ़ सकते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चंस को जो है आप यहां से फिर प्रिपेयर कर सकते हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल से, जिसका नाम भी जो है टेटफैक्ट एकेडमी है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक करना होगा सब्सक्राइब बटन पर, बेल आइकन पर प्रेस करेंगे, ऑल पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जो भी जो है जितने भी टॉपिक्स हैं आपके सीटेट के, सब जो है 1x1 MCQs जो है टॉपिक वाइज आपके लिए लेकर के आएंगे और अपने जो नोट्स हैं इससे रिलेटेड वो आपको जो है ब्लॉग स्पॉट पर टेटफैक्ट एकेडमी पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और वहां भी आप हिंदी में जो है पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी दिए गए समाज के मूल्यों, विश्वासों और मानदंडों को आत्मसात करते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं यहां पर, आत्मसातकरण, सामाजिकरण, पृथककरण और अनुकूलन। इसका जो आंसर होगा आपका 16वें का जो आंसर है वह है बी, सामाजिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। जॉर्ज हर्बर्ट मीड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण प्रक्रिया का एक चरण नहीं है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रारंभिक चरण, खेल का मंच, खेल मंच या चिंतनशील चरण। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है आपका डी, चिंतनशील चरण। एक बार फिर से आपको जो है रिपीट कर दे रहे हैं, ये जो आपके MCQ आप देख रहे हैं इससे संबंधित जो नोट्स है, जिस नोट से ये तैयार किए गए हैं वो आपको हमारी ब्लॉग वेबसाइट पर जो है मिल जाएगा, जिसका नाम tetfactacademy.blogspot.com है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, किस समाजशास्त्री ने लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा पेश की? चार ऑप्शन दिए हैं, कार्ल मार्क्स, एमिल दुर्खिम, जॉर्ज हर्बर्ट मीन, चार्ल्स हाल्टन कुली। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो है डी, चार्ल्स हाल्टन कुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इसका क्वेश्चन नंबर 19 इसलिए क्योंकि पहले के जो है 1 से 15 तक के क्वेश्चन हम एक पहले वीडियो में बना चुके हैं, वो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति अपने समाज के सांस्कृतिक मूल्यों और मानदंडों को सीखते हैं? चार ऑप्शन दिए हैं, संस्कृतिकरण, सामाजिकरण और अनुकूलन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो है संस्कृतिकरण। क्वेश्चन नंबर 20 है, जीन पियाजे के अनुसार जन्म से लेकर लगभग 2 वर्ष की आयु तक होने वाला संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण क्या है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, ठोस परिचालन चरण, औपचारिक परिचालन चरण, सेंसोरी मोटर चरण और प्री ऑपरेशनल चरण। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है वो है सी, सेंसोरी मोटर चरण। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा समग्र संस्था का उदाहरण नहीं है? चार ऑप्शन दिए हैं, कैदखाना, सैन्य बूट शिविर, डेकेयर सेंटर और मठ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है सी, डेकेयर सेंटर। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति कोरी स्लेट के रूप में पैदा होते हैं और उनका व्यवहार पर्यावरण के साथ बातचीत के माध्यम से सीखा जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, व्यवहारवाद, संरचनात्मक कार्यात्मकता। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन का जो आंसर है इसमें जो है सी है, व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा शब्द उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति से जुड़ी भूमिकाएं निभाना सीखते हैं? चार ऑप्शन है, भूमिका निभाना, भूमिका निर्माण और एक ऑप्शन फिर से सॉरी रिपीट हो गया है और उसके बाद चौथा ऑप्शन है भूमिका प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो है ए, भूमिका निभाना। सामाजिकरण क्या है? यह बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा जो है पूछा जाता है। इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया, एकांत आत्मनिरीक्षण की एक प्रक्रिया, आनुवंशिक वंशानुक्रम की एक प्रक्रिया और केवल शारीरिक विकास की एक प्रक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर है वो है ए, सांस्कृति और सामाजिक मानदंडों को सीखने की एक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का प्राथमिक एजेंट नहीं है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी पुटअप कर जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं, एक परिवार, स्कूल, सहकर्मी समूह और कार्यस्थल। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर है वो है डी, कार्यस्थल। क्वेश्चन नंबर 26 है, सामाजिकरण का कौन सा चरण आमतौर पर शैशवावस्था के दौरान होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रत्याशित समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण, माध्यमिक समाजीकरण और पुनर्सामाजीकरण।
चार ऑप्शन में से जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का वो है बी, प्राथमिक समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 27 है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड के अनुसार समाजीकरण के किस चरण में महत्वपूर्ण दूसरों की नकल शामिल है। चार ऑप्शन दिए हैं, प्रारंभिक चरण, खेल का मंच, खेल मंच और अनुकरण व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर है ए, प्रारंभिक चरण। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के अनौपचारिक एजेंट का उदाहरण है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक औपचारिक एजेंट पूछा गया अभी ऊपर और ये दूसरा है अनौपचारिक एजेंट। चार ऑप्शन दिए हैं, मास मीडिया, सहकर्मी समूह, शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है बी, सहकर्मी समूह। क्वेश्चन नंबर 29 है, नए सामाजिक परिवेश में संक्रमण के दौरान नए मानदंड, मूल्य, दृष्टिकोण और व्यवहार सीखने की प्रक्रिया कहलाती है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, प्रत्याशित समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण, माध्यमिक समाजीकरण, प्राथमिक समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है बी, पुनर्समाजीकरण। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा सिद्धांत आत्म पहचान के विकास में सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर देता है। चार ऑप्शन है, संघर्ष सिद्धांत, प्रकार्यवाद, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, नारीवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी, प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का एक चरण नहीं है। चार ऑप्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विश्वास बनाम अविश्वास, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, अनुरूपता बनाम विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 31 का जो ऑप्शन इसमें जो आंसर के रूप में है वो है अनुरूपता बनाम विद्रोह। तो ये आज के जो है 31 क्वेश्चन थे समाजीकरण के। इससे संबंधित नोट्स आपको हमारी ब्लॉग वेबसाइट पे मिल जाएगा और ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप कुछ जो है पूछना चाहते हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।